हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर क्लिक दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ DIY बुकमार्क। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्राइंग शीट लिया है, उसको जिगजैग की शेप में कट कर लिया है दोनों साइड से। उसके बाद मैंने उठाए अपने वाटर कलर और इनको मैंने एज अ रेनबो थीम दिया है और इसको एज अ रेनबो मैंने इसको कलर करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया ब्लैक कलर का स्केच और उसके साथ आउटलाइनिंग देनी स्टार्ट कर दिया जिससे कि थोड़ी और डिटेलिंग हो और ये थोड़ा और सुंदर लगेगा। उसके बाद मैंने एक हॉल किया और उसके अंदर मैंने डोरी लगा दी है। डोरी लगाने के बाद ये हमारा बुकमार्क बनके रेडी हो गया है। फॉर द सेकेंड वन मैंने फिर से एक ड्राइंग शीट लिया, उसके ऊपर मैंने हर्ट बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। काफ़ी कलर, मतलब रेड, ऑरेंज, पिंक, ऐसे मैंने काफ़ी सारे बना लिए थे। उसके बाद मैंने इन हर्ट्स को कट करना स्टार्ट कर दिया है। ये काफ़ी इजी सा है, बस इसके बाद हमें सेलो टेप लेनी है और उस सेलो टेप की जो हमारी पीछे वाली साइड है उसके ऊपर इन हर्ट्स को लगाते जाना है इस तरीके से। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो इसलिए मैंने काफ़ी छोटा सा बनाया था। इसको मैं दोबारा से रिक्रिएट करूँगी किसी और नए आइडिया के साथ। तो ये सिंपल सा हमारा एक DIY था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया आइसक्रीम स्टिक्स और इनको मैंने पेंसिल की शेप देनी स्टार्ट की थी। पेंसिल की शेप में इसको मैंने आगे से कट कर लिया। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऑरेंज कलर किया और इसके पीछे मैंने जो इरेजर बनाते हैं हम उसके अंदर मैंने ब्लू कलर कर दिया और बस हमारे सारे बुकमार्क बनके रेडी हो गए। तो आपको इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।